हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एग्जामिनेशन दैट यू डिड वेल आई होप एवरीवन हैज डन वेल इन योर एग्जामिनेशन आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा आपने अच्छे एग्जाम दिए होंगे ईश्वर से दुआ करता हूँ सबका रिजल्ट हो जाए तो जो भी टेंथ दिसंबर को आपने एग्ज़ाम दिया सारे का आंसर शीट जो है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आंसर सीट बीपीएससी के साइट पे अपलोड हो चुका है ठीक है वे लोग सच में बहुत फास्ट है अच्छी बात है लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ आंसर्स क्योंकि एक और सीक्रेट मैं कुछ वीडियोस बनाया था आपके लिए ठीक है गट इट तो सीक्रेट ए है कि दैट आई ऑल्सो अपियर इन द एग्जामिनेशन जी मुझे लगा मुझे भी ज़रूरत है तो मैंने भी अपीयर हो गया आई ऑल्सो सेट ठीक है तो अब पता चलेगा कि गुरुजी पास हो रहे हैं कि नहीं गॉट इट मैंने भी एग्ज़ाम दी है और मैं अपना भी स्कोर बता देता हूँ और मैंने क्या क्या गलतियाँ की है आप देख लीजिए और आपने क्या क्या गलतियाँ की है आप देख लीजिए ठीक है शेयर करने लायक है तो बता दीजिए चलिए तो सबसे पहले हम लोग आंसर शीट पे चलते कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है आपको मैच करना है डायरेक्ट बीपीएससी के साइड पे जाइए चलिए आइए गूगल क्रोम में सुविधा है आप उस पर ओपन कर लीजिए ठीक है देखिए करना क्या है आप लिख दीजिए बीपीएससी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं बी पी एस सी और डॉट इन आ गया इस पर क्लिक कर दीजिए ठीक है काफी फेमस साइट है अभी के लिए तो आप इतना कर सकते हैं आराम से देखिए पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इनके द्वारा ली गई थी टीचर का एग्जामिनेशन टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट जो था तो आप पहले वाले पे क्लिक कर ठीक है फर्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख पा रहे होंगे डेट वाइज यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है सो मंडे दिसंबर अभी जो है दस बज के छह मिनट हुए और दस तारीख वाला इंपॉर्टेंट नोटिस में है इनविटेशन फॉर ऑब्जेक्शन टू आंसर ऑफ स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटर्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम ठीक है तो जिन लोगों का ऑब्जेक्शन है आंसर्स पे उसके लिए एक नोटिस है अगला जो है टेंथ को और जो कि ग्यारा, आज तारीख है तो कल वाला जो जो एग्जाम दिए है मैंने भी दी थी मेरी पेपर इंग्लिश था ठीक है सो आई अपियर इन इंग्लिश तो जो भी हिंदी उर्दू संस्कृत इंग्लिश चार ऑप्शन थे ठीक है और उसका प्रोविजनल आंसर की है प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है कि एक जो अनुमानित आंसर की है वो आपको दे दी गई है ठीक है गेसिंग आंसर की वो आपको दे दी गई है आप मिला लीजिए हाँ बाद में उसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन हो करके कुछ चेंज भी हो जा सकता है कुछ कुछ लेकिन मैं आपको बता दूं कितने सारे इंग्लिश के पेपर में गलतियां हैं देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली गलतियां तो पहले मैं क्या करता हूं एक साइड क्वेश्चन दिखा देता हूं दूसरे साइड उसका आंसर क्वेश्चन बुकलेट्स फॉर क्लास सिक्स टू एट इंग्लिश क्लिक कर दिया सबसे पहले लैंग्वेज पेपर का देख लीजिए फर्स्ट वाला लेट इट बी ओपन ए रहा आपका इधर में कर देता हूं और आंसर जिसको चाहिए देखिए क्वेश्चन आ गया आपका ठीक है दिख पा रहा है क्या लेट मी चेक इट ठीक है जरूरत पड़ेगी मैं उसको जूम कर दूंगा वैसे भी आप तो अपने मोबाइल पे चेक कर ही लेंगे ठीक है ए रहा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ है ना इट क्लियर आप जब भी मेरी वीडियो को देखें ना आप थोड़ा विजिबिलिटी हाई पिक्सल पे ले जा करके करें क्योंकि मुझे लगता है वो ऑटोमेटिक यूट्यूब वाले बहुत कम कर देते हैं विजिबिलिटी बहुत लो कर देते तो कम से कम 480 या 720 रखिए उतना में काफी अच्छा आपको दिखेगा देखिए दिखे। पहला जो सबके पेपर के लिए था इट वाज फॉर हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत सबके लिए लैंग्वेज था और ये आपका सेट वाइज है ठीक है ये सेट 1 का है ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड आप आंसर मिला लीजिएगा आंसर भी दिया हुआ है वैसे हम बस 1 टू 8 का और जो थोड़ा कंट्रोवर्सियल लग रहा है ना जिसमें आपको लग रहा है ये मुझे लग रहा है कि वो गलत है तो शायद सबको लगेगा गलत है बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है इसमें देखिए ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ बॉडी बस मैं आठ बताऊंगा परेशान मत होइए ठीक है कितना हल्ला ओके okay. तो मैं क्या मैंने क्या बताया आपको कि आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द डिटेल्स ऑफ वन टू एट दैट इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो कंपल्सरी पेपर था मैं वन टू एट कर रहा हूँ ठीक है और मैंने भी वन टू एट बनाई थी आंसर मैंने मिला लिया सब ठीक है वन टू एट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं एक बार आप देख लीजिए ठीक है एक में थोड़ा सा ट्रिकी था मैं बता देता हूँ पहला था आपका क्वेश्चन ब्यूटी इज गिफ्ट ऑफ गॉड आप लोगों ने क्या लगाया ए एन दा में इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इन सफेल मेमोरी प्लीज क्लीन अप द एप्लीकेशन क्या बात हुई अच्छा उसको ठीक कर देंगे चलिए देखिए तो आपका सही आंसर क्या था इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है आप आपका हो गया ऑप्शन नंबर इ सबका यही होगा जिन लोगों ने लिखा अ ब्यूटी द ब्यूटी आप सुने होंगे ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ऑनेस्टी के आगे लगाने की कोई जरूरत पड़ी थी आपको इतने बार सुने होंगे तो वैसे ही सेम है ब्यूटी इज गिफ्ट ऑफ गॉड क्लियर द ब्यूटी की जरूरत नहीं है इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं थी सॉरी अगला देखिए क्वेश्चन नंबर टू लो मैं पूरा जूम कर ही देता हूं आराम से देख लीजिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है राजन इज सेलेक्टेड एस ये तो बहुत बार आप लोग प्रैक्टिस किए थे और दिया हुआ था मेरे आर्टिकल में उससे बाहर का नहीं है तो जब यहां पे क्या है m है mbbs a से स्टार्टिंग है इट मींस इट्स अ वाउल साउंड ठीक है जिसे आप वोवेल कहते हैं या स्वर भी कहते हैं आप हिंदी में तो यह स्वर का साउंड है m कैसे लिखते हैं m as तो फर्स्ट लेटर को हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ जरूरत है द तो कोई जरूरत नहीं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डॉक्टर सो राजन सिलेक्टेड एज mbbs तो क्या हो जाएगा n n mbbs बिल्कुल सही है आंसर भी अपलोड में यही है कुछ अलग नहीं है ठीक है अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम सो सिली क्वेश्चन सो वेरी सिंपल सबका सही हुआ होगा है ना क्लियर देखिए सिविल्स मीन हो गया अनाज ऑयल ये भी मिलता है बस लेदर नहीं मिलता है तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ठीक है आप जब कह रहे होंगे कि आप लोग सर आंसर तो अपलोडेड है ही फिर देखने की क्या जरूरत है देखने की जरूरत डर सिर्फ हमें आंसर ही नहीं जानता कुछ कुछ को अब जैसे मैंने बताया आठ बस ये मैं आठ की चर्चा करूंगा और उसके बाद डायरेक्ट चलूंगा जो बीपीएससी ने आंसर दिया उसमें गलतियां है ठीक है तो कृपया देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट सबको पता है एशियन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कौन नहीं है अरब नहीं है तो सी ऑप्शन ठीक है चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ना क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए हाँ ए रही क्वेश्चन नंबर फाइव इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ ध्यान दीजिए द प्रीवियस मतलब जस्ट उसके पहले वाला तो यदि अभी मे है आप लोग कैसे लिखते हैं जनवरी से लिखते हैं जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मे बस अब इससे ज्यादा तो जरूरत है नहीं और ऑप्शन कहाँ है मे पे है ठीक है दिया हुआ इफ इट चलिए है उसको क्या देखना द प्रीवियस प्रीवियस मीन हो गया जस्ट बिफोर इसके पहले वाला तो पहले क्या है अप्रैल जैसे हिंदी में अप्रैल भी पढ़ते हैं क्या हो गया अप्रैल डन तो आपका ऑप्शन नंबर ए गॉट इट चलिए तो अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स में स्प्रिंग कम्स हाँ ये थोड़ा देखिए मजेदार क्वेश्चन था क्या किया है इन्होंने स्प्रिंग कम्स बिफोर स्प्रिंग किस सीजन के पहले आता है तो सीजन जो है आपका दिया हुआ है विंटर रेन ऑटम एक्चुअली में स्प्रिंग आता कब है आप तो जानते ही कब आता है समर समर के स्प्रिंग कम्स बिफोर समर के पहले और विंटर के बाद आता है ठीक है तो समर के पहले आता है तो यहां ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ये नहीं कि इसमें से किसके पहले नहीं आएगा ये भी तो हो सकता है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर ऑटम के पहले भी आ सकता है क्लियर हाँ विंटर के पहले तो स्टार्टिंग है विंटर के बाद आएगा लेकिन ऑटम के तो पहले आ ही सकता है तो ये भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से बट यदि उन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ई तो कोई गलत नहीं है इसमें चलिए समर ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं है तो इसलिए दे दिया ऑप्शन ई खैर यहां तक ठीक है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दो और देख लीजिए यह है क्वेश्चन नंबर सेवन और यह है एट उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं जो बीपीएससी के द्वारा गलत आंसर अपलोड किया गया तो आंसर ऑब्जेक्शन के लिए देखिए क्या सुधार होती है वी कॉल द फादर ऑफ अर मदर फादर ऑफ आर मदर ठीक है यानी तो माँ के पिताजी को क्या कहते हैं तो मा आपकी माँ है माताश्री है और उनके पिता यानी नाना जी लग गए तो नाना जी लग गए तो ग्रैंडफादर क्या होते दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर उनके भी पहले पर दादा जी हो गए तो नाना जी का क्या हो गया मैटर्नल माँ आ गया समझ जाइएगा मदर साइड वाले हैं तो मैटर्नल ग्रैंड फादर हो गया नाना जी करेक्ट तो ऑप्शन नंबर सी नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर एट सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज सिस्टर्स डॉटर बहन की बेटी को क्या कहते हैं आप लोग बताइए भांजी कहते हैं तो भांजी कहेंगे तो क्या आएंगे नीस क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम में सब में आ, किसी में कजन तो किसी में सिबलिंग तो, तो आना ही था तो चलिए अब आपको आठ में तो आठ चलिए सही हो गया ठीक है या किसी का एक दो गलती भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं आपको हिंदी में एक दो नंबर आ ही जाएंगे बाईस में से तो आपको बाईस और प्लस आठ टोटल नौ मार्क्स लाने थे ठीक है उसमें से आपको दस पंद्रह इजिली कोई परेशानी वाली नहीं है है अब अगला जो है चलते हैं इंग्लिश पेपर जिसमें थोड़ा गड़बड़ी हुई है बीबीसी के द्वारा आंसर में गड़बड़ी हुई है ठीक है मैं बढ़ू हाँ जो देना देखना चाहते जिनका पेपर इंग्लिश था देख सकते हैं ठीक है संस्कृत हिंदी और उर्दू वाले की तो जरूरत नहीं है हाँ यदि आप बताना चाहते हैं किसी को तो देख लीजिए यदि आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन वॉच आप इतना स्लो नहीं कहाँ चला गया ए रही क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन से होना चाहिए हाँ ए रहा आपका ठीक है देख लीजिए ये था पार्ट थर्ड पार्ट वन तो आपको पता ही था लैंग्वेज था चले गए पार्ट वन में क्या था लैंग्वेज था ये पार्ट थर्ड इंग्लिश का है पार्ट वन जिसमें आपको नाइन मार्क्स लानी थी सबका क्लियर है पार्ट टू था आपका जीके जीएस जनरल स्टडी जिसमें आपको ये टोटल मार्क्स फोर्टी था ये तो कंपटीशन बेस्ड पे पता चलेगा आपको उसमें कितना लाना बेटर है नहीं भी लाए पाँच नंबर भी लाए चलेगा बाकी इंग्लिश का भी तो जुटेगा ठीक है वैसे मेरा तो जीके जीएस में बहुत गलती हुई है मैं मानता हूँ क्योंकि अक्सर ना जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट है यदि उसको हाँ कुछ बेसिक मैथ तो बन ही जाता है कुछ कुछ तो बन गया था लेकिन कुछ नहीं बना ठीक है तो जो लिटरेचर वाले हैं इंग्लिश हो संस्कृत हो उर्दू वे जनरली मैथ से बहुत दूर रहते हैं सच में जब उनका लिटरेचर पार्ट है तो मैथ में कितना इंटरेस्ट आठ क्वेश्चन थे मैथ के बाकी जी के जी एस भी हाँ लेवल बड़ा एवन था इसमें कोई दो मत नहीं इंग्लिश में देखिए मैं जो कह रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन गलत अपलोडेड है उस पर डायरेक्ट में चलता हूँ ठीक है ये तो पैसे सबसे थे कोई दिक्कत नहीं गलतियाँ किस में हुई है मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर है सेवेंटी वन से गॉट इट सेवेंटी वन से में पहला जो आपका गड़बड़ी है वह है क्वेश्चन नंबर मैं उसको क्वेश्चन मार्क लगा करके रखा हूँ देखिए मेरे पास पेपर था मैंने एग्ज़ाम दी है ठीक है मैं भी बताता हूँ आपको मुझे कितना नंबर आया ठीक है क्योंकि अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया पहले मैं स्कूल्स में ही टाइम दे रहा था लेकिन अब मुझे लगता है यूट्यूब पे टाइम देना चाहिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सो so, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए इफ यू आर न्यू टू माय चैनल हाँ पहला जो क्वेश्चन है ना वो है आपका 125, 126, 127 बाप रे बाप तीनों में गड़बड़ी है नहीं उससे हाँ और एक जो था 122 में शी इज डेफ इन वन ईयर दिया हुआ आंसर हाँ वो ठीक है बहुत जगह मैंने चेक किए तो वो ठीक है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है क्लियर चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर मच ऑफ योर लेबर क्वेश्चन नंबर में जिसमें ज्यादा गड़बड़ी मैं उसकी बात कर लेता हूं ईदर ऑफ दिस पेन जिसमें ज्यादा जो कि लग रहा आपको बताने के बाद तुरंत आपको लग जाएगा कि नहीं सर ये बिल्कुल गलत है ये नहीं होना चाहिए था और वह है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इस पर डायरेक्ट चलता हूँ ठीक है बाकी तो आप देख ही लेंगे वन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री आपका वन हंड्रेड थर्टी टू आ गया ना हाँ देखिए ये जो है मुझे लगता है क्वेश्चन बनाने वालों से गलती हुई है फिल इन द ब्लैंक नॉन फाइनाइट वर्ब अब देखिए नॉन फाइनाइट होता क्या है सबको पता बताने की जरूरत पड़ेगी क्या उनको देना चाहिए था यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स तो टू हेल्प जो है ये खुद नॉन फाइनाइट है अब उसके पहले का ऑप्शन ए है ट्राइंग Has tried, tried. अब आप देखिए और ऑप्शन बीपीएससी वालों ने अपलोड किया है ऑप्शन नंबर बी जितने भी इंग्लिश टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़ रहे थे आप सर से पूछ लीजिए या मैम से पूछ लीजिए हैज ट्राइड टू हेल्प में कौन है दूसरी बात आप अपना बुक लीजिए और देखिए नॉन फाइनाइट होते क्या है तो नॉन फाइनाइट जो है आपका एक तो होता है जीरन दूसरा होता आपका इंफिनिटी ठीक है और तीसरा जो होता वो हो, आपका होता पार्टिसिपल एम आई राइट और सॉरी पी एल ई कोई बात नहीं यहां रहने दीजिए ये हाँ, ये आपका स्पेलिंग है पी एल ई ये है पार्टिसिपल ठीक है अगला देखिए तो जीरो इनफिनेटिव और एक पार्टिसिपल इसमें तीनों में देखिए ये जो है यहां से बनाना चाहिए था अब आपको लग रहा है, है होता क्या है नॉन फाइनाइट सबको पढ़ा हुआ है ना आप अपना बुक लीजिए आपको पता, जैसे, पता चल जाएगा जैसे आई एम गोइंग टू प्ले आई एम गोइंग टू प्ले ये नन फाइनाइट जो होते हैं ठीक है ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है और उसने क्या किया टॉम हैज सब्जेक्ट के अनुसार लगा दिया दूसरी बात ये तो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है यदि मैं बोल दू आई वॉज गोइंग टू प्ले तो वो चेंज भी नहीं होगा ये ऐसे कॉन्स्टेंट रहता है रिमेनिंग ठीक है चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर किसी भी टेंस में रहे नन फाइनाइट जो है वो आपका चेंज नहीं होता है वही रहेगा प्रेजेंट में है तो भी पास्ट में कर दे तो अभी वो चेंज नहीं होता दैट इज टू प्लस वी वन ये क्या है टू प्लस वी वन ये जब भी आता है इन्फिनेटिव में ऐसे आता है टू प्लस वी वन और यहाँ ये आंसर ये होना चाहिए टू हेल्प यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देते तो चल जाता लेकिन यदि आप इसमें से कोई है ही नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए मारते या फिर क्वेश्चन ही गलत है तो आप कैसे इसको कर दिए हार्स ट्राइड को तो सो बीपीएससी वालों से हम सारे स्टूडेंट की अपील है कि आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस पे आप थोड़ा मंथन कीजिए और बताइए कि क्या होना चाहिए जो आपने आंसर दी है ट्राइड बिल्कुल सही आंसर है टर्म हैज ट्राइड टू हेल्प बट क्या वो नॉन फाइनाइट है बात समझ रहे हैं ना सभी लोग तो ए जो था मुझे मेजर गलतियां लगी मैंने भी दी है ठीक है और ऑप्शन जो है यदि यहां डॉट किया रहता टू तो हेल्प तो, तो हंड्रेड परसेंट सही हो जाता सबका लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है टॉम ट्राइड टू तो हेल्प टॉम ने हेल्प करने की कोशिश की है ये कर चुका है ठीक है क्लियर ये बिल्कुल ठीक है एज ए मेन वर्ब ना कि एज ए नॉन फाइनाइट ठीक है बाकी कहीं कहीं थोड़ी सी है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पूछे मेजर लगी चलिए तो ऑल द बेस्ट लेटेस्ट वेट फॉर द रिजल्ट हाँ मेरी मार्क्स कितनी आई है जानना चाहेंगे तो कृपया कमेंट में जरूर लिखिए मैं सच में बहुत खुश हूँ आई एम रेडी एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस माई रिजल्ट दैट हाउ मच आई गॉट ठीक है मैं तो पहले ही बता रहा हूँ मैथ और वो जो आपका जीए था ना जी के जनरल स्टडी उसमें ज्यादा नहीं आया बट इंग्लिश में अच्छा आया आई विल बी ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड ऑलरेडी आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट लेट जस्ट ऑल वी शुड थैंक गॉड दैट आर एग्जामिनेशन टूक प्लेस ऑन राइट टाइम और सब कुछ अच्छा से चला गया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए ठीक है ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you.